वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है वेनसडे और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के दो, मैंने आपको दिखाई दिया है दोपहर के दो बज रहे हैं अभी। और आज जो है मैं थोड़ा लेट हो गई, अभी मेरा लंच वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है बिकॉज़ आज मैं थोड़ा लेट भी सो के उठी थी और मुझे कपड़े वगैरह वॉश करने थे, तो आज मैंने वॉशिंग मशीन वगैरह लगाई थी तो मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए हैं। और ब्रेकफास्ट भी आज मैंने बाहर से ही मंगाया था, समोसे वगैरह वो ही मैंने आपको दिखाई है, तो वही हमने किया था ब्रेकफास्ट में। और बस चाय ली थी एंड मैंने बनाई थी आज लंच में मेथी आलू की सब्ज़ी, तो वही मैंने अपने हस्बैंड को पैक करके दी है टिफ़िन में, तो बस वही मैं भी लूँगी और बस फुलके सेकने हैं मुझे। तो चलिए अभी चलते हैं, मैं कर लेती हूँ लंच और फिर आपसे मैं मिलती हूँ। तो अभी चलिए किचन में चलते हैं। मैं आ चुकी हूँ किचन में और चलिए अभी मैं सेक लेती हूँ अपने लिए फुलके, और बस वही मेथी आलू की सब्ज़ी है तो वही मैं ले लूँगी। एंड मेरे व्यूवर्स ने मुझसे बोला था कि आप मेथी आलू की रेसिपी शेयर करें, सो सॉरी मैं उसकी रेसिपी जो है आज शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैंने जल्दी जल्दी में उसे बनाया था, लेकिन मैं अपनी आने वाली आगे वीडियो में उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ फुलके। मैं अपना लंच लेके आ चुकी हूँ रूम में और लंच करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो बस यही था आज का मेरा लंच और बस वही काम वगैरह, कपड़े वगैरह वॉश किए मैंने, वही डेली का काम जो कि डेली होता है, तो बस वही सब किया। एंड देखते हैं कि नाइट में आज मैं डिनर में क्या बनाती हूँ, हो सकता है आज मैं नॉनवेज बनाऊँ। मैं नहीं खाती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड खाते हैं, सो उनके लिए नॉनवेज बनाऊँगी मैं, हो सकता है, अभी कन्फर्म नहीं है, अगर वो बोलेंगे लाएँगे तो बन जाएगा। सो बस वही बनाऊँगी नॉनवेज, और नॉनवेज में बस वो चिकन ही खाते हैं एंड फिश खाते हैं, सो जो भी लेके आए फिश या चिकन तो बस वही बनेगी। एंड मैं अपने लिए देखती हूँ क्या बनाऊँगी क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ एग ही खाती हूँ, बस एग वगैरह है जो मैं खाती हूँ। और मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्हें नॉनवेज पसंद नहीं है, हो सकता है तो उन्हें आज की वीडियो मेरी अच्छी ना लगे क्योंकि नॉनवेज हर कोई नहीं खाता है तो उन्हें पसंद ना आए, लेकिन उसके लिए सॉरी। लेकिन जो लोग खाते हैं तो वो लोग खाते ही हैं, तो मेरे हस्बैंड तो खाते हैं तो इसलिए देखते हैं। तो जो भी बनाऊंगी डिनर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अभी मैं आपसे लेती हूँ बाय बाय और मिलती हूँ इवनिंग में। सो आज डिनर में मैं बना रही हूँ चिकन करी, तो उसके लिए मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। ये 250 ग्राम चिकन है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड अकेले ही खाते हैं तो उनके लिए इतना काफ़ी है, तो इसे जो है मैं अच्छे से ढककर फ्राई कर लूँगी। मैंने ऑयल डाला है और उसमें मैंने डाला है तेज़पत्ता और दालचीनी को मैंने पीसने के लिए डाला है मसाले में, तो उसका जो छिलका है उसे भी मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद चिकन डालकर और नमक डालकर इसे अच्छे से मैं ढककर फ्राई कर लूँगी। तो चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, उसे मैंने निकाल लिया है और जो ऑयल रह गया है तो उसी में पिसा हुआ मसाला ऐड करूँगी। तो इसमें मैंने ऐड किया था एक प्याज, एक टमाटर, अदरक और लहसुन और कुछ खड़े मसाले, तो इन सबको मैंने पीस कर इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया था। और इसे जो है मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि प्याज जो है थोड़ी पक जाए, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो अब इसमें ऐड करूँगी मसाले। सबसे पहले ऐड करूँगी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और साथ में इसमें ऐड करूँगी मैं चिकन मसाला, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है,
तो इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 से 1.5 चम्मच, और साथ में ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक, और मसाले को अच्छे से भून लूंगी। मसाला अच्छे से भुन चुका है तो इसमें मैं ऐड करूंगी फ्राई किया हुआ चिकन, और उसके बाद इसमें ऐड करूंगी पानी। जितनी ग्रेवी मुझे रखनी है उतना मैं पानी ऐड करूंगी, और सब्जी को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। उसके बाद हमारी चिकन करी बनकर रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, मेरा डिनर बन चुका है, और जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाई है, मैंने बनाया है डिनर में चिकन करी, और साथ ही मैंने अपने लिए बनाया है सोया पुलाव, और साथ में 2 एग भी बॉईल किए हैं जो कि मैं लूँगी डिनर में। और सोया पुलाव की रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की बिकॉज़ उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो आज वेनसडे था, सो इसलिए हमने जो है नॉनवेज बना लिया, क्योंकि हम वेनसडे को खाते हैं या संडे को खाते हैं, और मंडे और फ्राइडे को मेरा फास्ट रहता है, बाकी दिन हम लोग नहीं खाते हैं। सो बस यही था आज का मेरा रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।